तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल स्पीच जीवन मंत्रा में। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप अभी नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारी प्यारी सी फैमिली के मेम्बर। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हौसला बहुत बढ़ता है। और अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों हम में से बहुत लोग, दोस्तों बहुत सारा कमेंट आया, हमने उसको पिक किया और उसी पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कमेंट किया करिए कौन से विषय पर आपको वीडियो चाहिए। दोस्तों हम पूरी तरह से समर्पित हैं आपके आदेशों के लिए। आप जो भी आदेश करेंगे दोस्तों हम उसके लिए पूरा तरीके से समर्पित हैं। आपके कमेंट को पिक कर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। जो भी आपको पूछना है, जिस विषय पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिस विषय पर आपको जानकारी चाहिए, प्लीज, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ उस विषय पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज का कमेंट है हमारे एक भाई का, रोहित जी का। कहते हैं कि सर कोई भी हमें जो है रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी हमें इज्जत नहीं देता। दोस्तों सबसे पहली वजह आपका रहन सहन होता है। दोस्तों आप किस तरह से रहते हैं, आपकी, देखिए एक चीज में जो बार बार कहता हूं, तब तक आपको कोई नोट नहीं करेगा, तब तक आपको कोई नोटिस नहीं करेगा जब तक आपकी जेब में नोट नहीं होगा। जब आपकी जेब में नोट होगा तब आपको लोग नोट करेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपनी जेबों में, गर्लफ्रेंड का दायरा बढ़ाने से पहले आप अपनी जेब में नोटों का दायरा बढ़ा लीजिए। और दोस्तों दूसरी चीज आपको जो बता दूं, बहुत जरूरी चीज आपको भी मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आजकल कोई भी, वो पहले जमाने का 1991 का जो एक दौर होता था कि जुल्फों पर लड़कियां मरा करती थी, आज वैसा जमाना कुछ नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत गंभीरता से इस बात को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, पहले वो जमाना था। आज आपके पास नोटों की संख्या होनी चाहिए, आपके सिक्स पैक होने चाहिए, एब्स होने चाहिए और डोले सोले अच्छे होने चाहिए। दोस्तों एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए तो दोस्तों आप देखेंगे अपने आप। दोस्तों पहले का ज़माना वो अलग था कि लोग, लड़कियां और भी लोग आपको सोचते थे कि बस ये मेरे को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आज की लड़कियां स्मार्ट हो गई हैं, आज की लड़कियां ऐसा चाहती हैं कि सबसे पहले आप जॉब खोजो और एक अच्छी जॉब के बाद घर से उठा लेना। ऐसी आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसे बिंदास बातें करती हैं। वो ज़माना चला गया दोस्तों, वो पुराना ज़माना था जब आप ऐसा करते थे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टिप नंबर वन आज जो मैं आपको देता हूं, सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जो भी नया मार्केट में हेयर कट हो, अगर उतने पैसे नहीं हैं तो एक साधारण नाई के पास भी जा सकते हैं। इतना तो हर किसी को आता है कि अगर आप एक इमेज लेकर जाएंगे अपने मोबाइल में तो वो उसके हिसाब से आपकी कटिंग कर देगा। दोस्तों ये बहुत बारीकी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, हर कोई इस तरह से बातें आपको बताएगा नहीं। यदि आप किसी को पाना ही चाहते हैं तो मैं उसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि आप एक अच्छी जॉब पकड़ लीजिए, उसके बाद तो वो खुद ब खुद आपकी हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों नंबर एक, आप एक अच्छी हेयर कटिंग रखिए। दोस्तों आजकल लड़कियों को वेल शेप्ड लड़के नहीं चाहिए, तो क्लीन शेप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छी सुंदर कट दाढ़ी की जो आपकी कटिंग हो सकती है वो बनवा सकते हैं। मूंछें भी आजकल लड़कियों को पसंद आने लगी हैं तो आप उसको भी रख सकते हैं। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरा क्लीन शेप ही हो, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो मूछों का ट्रेंड चल रहा है, अच्छी हेयर कटिंग का ट्रेंड चल रहा है। आपकी सेविंग्स जो सेव है वो भी एक अच्छी लुक में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए, इन सब चीज़ों से ही कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। और नंबर एक, कपड़े भले ही बहुत महंगे ना हो, थोड़ा स्टाइलिश हो, इस्त्री किए हों, साफ़ सुथरे धुले हों, उससे भी एक आपका परफेक्शन बनता है, एक फैशन बनता है। और दोस्तों
इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, जिसे आप चाहते हैं उसे आप पा सकते हैं। दोस्तों और भी टिप जानने के लिए आप भी कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिसे चाहते हैं उसका, अपना और पूरे फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।